हेलो एवरीवन। और आप लोग कैसे हैं? आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है एग्जाम्स की? आई थिंक अच्छी चल रही होगी। और जो है आप लोग अपना बेस्ट करने का कोशिश कर रहे होंगे। ओके तो मैंने इस चैप्टर में जो टॉपिक था रिफ्लेक्शन का, मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है और वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में आज से स्टार्ट करती हूँ। ओके, रिफ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स, देखिए रिफ्लेक्शन यू नो कि रे आई और बाउंस बैक चली गई। जो कोई रे आई, आने के बाद में रे बाउंस बैक चली गई। ओके, कुछ और इसके अलावा जो रे दूसरे मीडियम में चली गई, बाउंस बैक नहीं हुई, कुछ रे तो बाउंस बैक चली गई, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। जो दूसरे मीडियम में जाती है उस रे को हम कहते हैं आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन वो हुआ रिफ्रैक्शन, दूसरे मीडियम में जाना रिफ्रैक्शन हुआ, उसी मीडियम में वापस चले जाना होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाना, रिफ्लेक्ट हो जाना। और रिफ्रैक्शन मीन सेकंड, वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाना, वो रिफ्रैक्शन। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, देखिए इससे पहले, समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, एक तो होता रेरर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। इसमें ऑप्टिकली, उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल रेरर मीडियम, दूसरा होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। यानी उसकी लैंग्वेज में रेरर मीडियम, सपोज यदि हम एयर की बात करेंगे, एयर और ग्लास, मोस्टली यही एग्जांपल लिए जाते हैं। एयर और ग्लास में रेरर मीडियम कौन सा हुआ? एयर हुआ और ये ग्लास हुआ। रेयर मीडियम हो गया एयर, ग्लास हो गया डेंसर मीडियम। अब यदि ग्लास और वुड के लिए करेंगे तो वो अलग अलग हो जाता है हर एक उसके अकॉर्डिंग, वो सब चीजें बताऊंगी। फिलहाल हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, एयर और ग्लास के लिए हमने बताया, ठीक है। ओके, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो जाने पर क्या होती है? रे या तो बेंड हो जाती है या फिर अभी हो जाती है। देखिए ये आप लोगों को पता है, अभी तक रे कोई आई उस पॉइंट पर जो ये इंसिडेंट रे है, ये तो इंसिडेंट रे नहीं, उस पॉइंट पर यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मल। इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट हो गई तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप पे रिफ्लेक्शन पड़ा हुआ है। अब जो दूसरी दूसरे उसमें जाएगी, यदि ये रेयर मीडियम है और ये डेंजर मीडियम है, तो क्या होती है? रे उसी एंगल से नहीं जाएगी, नॉर्मल से सेम एंगल नहीं बनाएगी, क्योंकि रेयर से डेंजर में जा रही है, तो ये बेंड हो जाएगी, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की, इट मींस ये आपका टूवर्ड्स टू नॉर्मल हो जाएगी। यदि यहाँ देखेंगे तो एंगल आई जो है, और इस एंगल को कहते हैं रिफ्रैक्शन एंगल, क्योंकि लाइट की रे क्या हुई? रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट, देखिए रिफ्रैक्ट, फ्रैक्ट, और वो होता है रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्ट, और वो होता है रिफ्लेक्शन, उसमें एफ नहीं होता, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, और ये है रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर इसे भी आर से ही लिखते हैं, बट तो यदि रेयर से डेंजर मीडियम में जाएगी तो एंगल क्या होगा? ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, क्योंकि जब रेयर से डेंजर मीडियम में जाती है तो जो रे होती है उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, वो क्या होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, उसकी तरफ चली जाएगी। अब यदि इसका अपोजिट हम लोग कर दें कि यहां पर हम क्या ले लें, यहां ले लें ग्लास और यहां पर है एयर, तो इट मीन्स क्या होगा? ये वाला इसके कंपैरिजन में ये डेंजर हो गया और रेयर मीडियम हो गया, तो क्या होगा? ये रे आई नॉर्मल तो इसी पॉइंट पे बना, इंसिडेंट पर पॉइंट पर बना, इंसिडेंट पॉइंट बना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगी? अवे हो जाएगी। यहां पर एंगल आई स्मॉलर हो जाएगा और जो रिफ्रैक्ट एंगल होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही हमारा फिनोमेना कहलाता है। इसको पढ़ लेते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द फिनोमेना इन विच रे ऑफ लाइट बेंड फ्रॉम इट्स पाथ एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मीडिया व्हेन इट्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू इनटू अदर। एक से जब दूसरे में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, या इसको उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो
तो वो या तो क्या होगी, टुवर्ड्स टू नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल होगी या अवे टू नॉर्मल होगी। जब टुवर्ड्स टू नॉर्मल कब होती है, जब रेयर से डेंजर में जाती है तो टुवर्ड्स होती है, जब डेंजर से रेयर में जाती है तो अवे होती है। इस बात का ध्यान रखिए। ओके, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम इसमें है नहीं ऑप्टिकल, बट वैसे समझने के, रेयर मतलब क्या हुआ, पार्टिकल दूर दूर है, डेंजर मतलब क्या, पार्टिकल पास पास है। थोड़ा अपने माइंड को समझाने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, लिखना मत इस चीज को, बट वैसे समझने के समझ सकते हैं। पार्टिकल दूर दूर है तो आराम से रे चली गई, और जो पार्टिकल पास पास है तो जरा रे तो जाने पर टाइम लगा, तो क्या हुई, ये नॉर्मल की तरह बेंड हो गई। अब इस रेयर में गई तो उससे दूर चली, क्योंकि वो जो है रे जल्दी से निकल गई। ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा अपने आपको माइंड को समझाने के लिए, जिससे कि याद रहे। ये चीज लिखने वाली नहीं है, ये इसका कोई कहीं से कॉन्सेप्ट नहीं है, बट थोड़ा सा समझाने के लिए अपने आप को हम कर सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब उसके बाद आता है, फिर ये भी चीज समझाऊंगी मैं, फिर आता है द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट्स ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है, और ये फिनोमेना क्यों होता है, ये व्हेन टू मीडिया आर कंपेयर एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इन टू इन विच द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस एंड एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम इज वन इन विच द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इज मोर। अब एक्चुअल में जो मैंने बताया, रेयर और डेंजर का मतलब डेंसिटी से मतलब नहीं, यहाँ पर सिर्फ रे ऑफ लाइट्स, यहाँ पर लाइट की है, जो लाइट की स्पीड जो होती है, जो आपका डेंजर मीडियम होता है उसमें क्या होती है, कम होती है। डेंजर में क्या होती है, कम होती है स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी, और रेयर मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, ये ग्रेटर होती है। वेलोसिटी क्या होती है, ये ग्रेटर होती है, क्योंकि वेलोसिटी का हम हमारे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी वेलोसिटी लिखा जाएगा। ओके, ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो हम किसको कहते हैं, यदि हम डेफिनेशन लिखेंगे रेयर मीडियम की और डेंजर मीडियम की, तो क्या आएगा उसमें, कि ऑप्टिकली जो रेयर मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, जो डेंजर है वो कम होगी और जो रेयर मीडियम है उसमें मोर होगी। क्लियर, तो ये ऑप्टिकली हो गया। आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत काफी समझ में आ रहा होगा। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने सारे मेन पॉइंट्स लिखे हैं, ये सब ये सारे की पॉइंट्स हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेंसर मीडियम इज बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। मैंने क्या बताया, देखिए, अब जैसे यहाँ एयर है और ये ग्लास है, तो इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो जो एयर है वो इसके अकॉर्डिंग रेयर मीडियम है, ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो क्या हुई, देखिए, ये क्या है, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंस पॉइंट बोलेंगे, यहाँ हमने परपेंडिकुलर डाला तो वो क्या कहलाया, नॉर्मल कहलाया, ये भी नॉर्मल है, तो ये देखिए इसकी तरफ बेंड हो गई। फिर उसके बाद में ग्लास से फिर से एयर में गई, यहाँ भी एयर ही है, तो क्या होगी, देखिए, अवे हो गई। ये डायग्राम यदि आप जैसे आए, यदि थोड़ी ज्यादा मार्क्स का है, यदि आपने डायग्राम बना दिया, प्रॉपर लिख दिया, समझ लीजिए काफी मार्क्स उसी में हो जाए, क्योंकि इससे आपने काफी कुछ क्लियर कर दिया, उसके बाद फिर डिफाइन कर दीजिए आप। ओके, तो अब हम इसको रीड करते हैं। हाँ, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। इसमें क्या होगा, वही एंगल जो इंसिडेंट एंगल होगा वो आपका रिफ्रेक्टिव एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, इसी का अपोजिट है क्या, कर जब आपका डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी, यहां बैंड की जगह आ जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहां पर एंगल आई क्या होगा, जो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, स्मॉलर होगा, रिफ्रैक्टिव है ये, रिफ्रैक्शन नहीं, बार बार सल बार सल ये सॉरी आपका रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्रैक्ट रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट, और उसमें बहुत डिफरेंस दोनों में है। अगला है फिर यहाँ पर, ये हाँ, लाइट रिफ्लेक्टेड। अब ये लाइट जो है ये रिफ्रैक्ट क्यों होती है, व्हाई, क्यों बेंड होती है ये, बिकॉज इट हैज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम लाइट ट्रेवल एट इट मैक्स। अच्छा, तो क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है अलग अलग मीडियम में क्या होती है, अलग अलग होती है। इसमें रेयर में क्या होगी, ज्यादा होगी डेंसर के अकॉर्डिंगली। अब हम कंपैरिजन करेंगे, उसके लिए मैं आपको भी आगे बताऊंगी कैसे याद करते हैं वो चीजें में।
अगला पॉइंट है फिर ये कि लाइट ट्रेवल एट इट्स मैक्सिमम स्पीड किस में होती है, वैक्यूम में होती है। कभी कभी वैक्यूम भी ले लेते हैं, एयर भी ले लेते हैं, दोनों की स्पीड में, क्योंकि लाइट में बहुत कम डिफरेंस होता हैगा। हम यहाँ वैक्यूम की बात इसलिए क्योंकि वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं है, एयर में क्या होता है मिक्सचर हुआ कई सारी चीजों की, तो इसलिए जाता है वैक्यूम में क्या होता हैगा, हम वैक्यूम लिख लेते हैं, बट वैसे हम वैक्यूम की जगह एयर भी लिखते हैं, एयर की भी वही होती क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यदि ट्रू फॉल्स में आएगा तो यदि यहाँ पे एयर लिखा है तो एयर को भी आप ट्रू ही करेंगे, बट कंपैरिजन में आएगा तो उसमें फिर आपकी वैक्यूम की ज्यादा होगी। अब अगला पॉइंट है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, अब इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को समझिए, उससे पहले थोड़ा इसको मैं समझाऊं, फिर मैं इसको रब करके फिर आपको समझाती हूँ। ये आपने क्या देखा, मैंने यहाँ पर तीन मतलब मैंने क्या कर रखे हैं यहाँ पर, वजह अलग बताने के लिए यहाँ पर एयर ग्लास और फिर से एयर ये बना रखे हैं। एक पे सोलिए ग्लास का स्लैब ही है ये, तो मतलब क्या एयर से किस में गई, ग्लास में गई, बेंड हो गई, उसके बाद ग्लास से एयर में गई तो ये अवे हो गई। अब यहाँ जो ये निकलेगी रे, इस एंगल को हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, और या इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्ज इमर्ज कर रही है। जब ये डेंजर से रेयर में गई यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या हुआ ये, यदि ग्लास स्लैब की, अब मैं आगे अभी जाके पूरा ग्लास स्लैब के बारे में बताऊंगी, बट बना हुआ डायग्राम तो मैं समझा देती हूँ कि यहाँ तो बोलेंगे इंसिडेंट, ये हुआ रिफ्रैक्टेड और इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो एंगल भी क्या होगा, इमर्जेंट एंगल। पूरा भी डिटेल अभी समझाऊंगी, इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, एक तो यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो बाद में समझाऊंगी मैं आपको। ओके, अब जो मैंने अभी यहाँ बात कही थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, रेयर में क्या होती है ज्यादा होती है, डेंजर में क्या होती है कम होती है, कंपैरिजन करेंगे तो देखिए एयर की में कितनी होती है 3 × 10⁸, और ग्लास में कितनी है देखिए, तो क्या हुआ ये वाला रेयर हो गया, ये वाला डेंजर हो गया। इस स्पीड ऑफ लाइट से भी हम जब दो किसी उसका कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल आ जाता है, हम अपने आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि रेयर हुआ डेंजर। अब इसमें जो एंगल आई क्या होगा, जब यहां से इसमें जाएगी तो क्या होगा, एंगल आई ग्रेटर होगा। ये वाला पॉइंट मैं बाद में बताऊंगी, जब मैं आपको ग्लास का बताऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, कैसे होते हैं पूरा ग्लास स्लैब में आपको बताऊंगी। ओके, मैं इसको रब कर देती हूँ, मैं थोड़ा चीजें याद रहे इसलिए मैंने पूरा नोट्स बनाया था, इसलिए मैंने चीज सारे पॉइंट्स लिख दिए थे यहाँ पर, बट आप परेशान मत होइए आप लोग, मैं आपको हर एक पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर करूंगी, चाहे मुझे कई सारी वीडियो बनानी पड़े, नो प्रॉब्लम। आगे फिर उसके बाद में जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर मैं पूरे चैप्टर की समरी बनाऊंगी, सिर्फ मुश्किल से बहुत ही कम टाइम में 45 मिनट्स में पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगी। अभी मैं आपको हर एक पॉइंट को डिटेल में बता रही हूँ। ओके, अब हम आते हैं रिफ्लेक्ट। अब ये जो रेयर मीडियम है और डेंजर मीडियम है, इसको हम एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उससे पता करते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दिस इज द रेशियो। ये क्या होता है, रेशियो होता है दो मीडियम की स्पीड का रेशियो होता है। टू मीडियम है, मीडियम वन है, मीडियम टू है, ये तो इन दोनों की स्पीड ऑफ लाइट का, इन दोनों में क्या स्पीड ऑफ लाइट क्या है उसका रेशियो को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से हमें पता चल जाता है कि वो मीडियम कैसा है, रेयर है या डेंसर है। आपकी बुक में पूरी टेबल दी हुई होगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की, और ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हम किससे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू, यदि दो मीडियम का कंपैरिजन करते हैं। और जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो वैसे दिया होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं, वो होता है ऊपर तो यहाँ पर आती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम उसका साइन हम बोलते हैं सी से उसको रिप्रेजेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जो भी मीडियम है उसमें। तो इसको हम, इससे जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, या तो इससे लिखते हैं या फिर म्यू से ऐसे करके म्यू लिखते हैं, इसे हम म्यू बोलते हैं। तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसको हम सी लिख देते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम उसको हम स्मॉल वी लिख देते हैं। ये फॉर्मूला यदि आए कभी
तो यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हम इससे निकालेंगे। और ये वाले ही आपके बुक में दिए होंगे, ये जितने भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बुक में आपके दिए हुए हैं उसको सबका किससे कंपैरिजन करा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट फिर वैक्यूम से, वो कहाँ होगी ऊपर और जो मीडियम है वो नीचे होगा। इससे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल के हर एक मीडियम का अलग अलग होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। देखिए ये तो देखिए ऊपर फिक्स ही रहेगा, 3 × 10⁻¹⁸, ये तो ऊपर फिक्स ही रहेगा, बट नीचे वाला चेंज होता रहेगा। तो ये देख लीजिए स्पीड ऑफ लाइट जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। यदि हम जैसे कंपैरिजन सपोज हम करना चाहें तो हम जैसे, और एक ये टेम्परेचर वाले एक फिक्स टेम्परेचर पर होता है कि इतने टेम्परेचर पर है कि जो जो हमारा है वो क्या है हमारा एक फिक्स टेम्परेचर पर हम देख लेते हैं सॉलिड को। ओके अब सपोज जैसे ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.5 निकल कर आया। अब जैसे उसके यदि हम बात करेंगे सपोज एक ये उसका आपका डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो, 2.4 हुआ। ये कैसे निकाला, देखिए इससे खुद पता चल रहा है कि ये वाला डेंजर मीडियम है रेयर है, ये ग्लास है और ये डायमंड है। इट मीन्स इसकी स्पीड क्या है, इसके अकॉर्डिंगली ज्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में ज्यादा होगी डायमंड में कम होगी। तो ये हो गया डेंजर, ये हो गया रेयर। ये किससे आया, किससे कंपैरिजन करा, ऊपर ऊपर क्या आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट ग्लास, तो ये 1.5 आ गया क्योंकि रेशियो है तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब देखिए डायमंड का क्या हुआ, वही हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये आ गया। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, खुद दिखाई पड़ रहा है जब नीचे हम डिवीजन कम नंबर से करेंगे तो ऊपर आंसर ज्यादा आएगा, ये तो फिक्स है ऊपर वाला। तो इसी से पता है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, डेंजर होगा। कंपैरिजन हम करेंगे तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इट मींस वो डेंजर, इट मींस उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये यदि करेंगे तो यदि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, इट मींस स्पीड ऑफ लाइट के क्या हुआ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर, आई थिंक ये बात आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किससे निकालते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से वैक्यूम अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन मीडियम, जो कि हमारे दिए होते हैं उन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके अब दूसरा इसी में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यदि हम मीडियम टू, दो मीडियम है समझ लीजिए, हम ग्लास की बात कर लेते हैं और चलिए डायमंड की बात कर लेते हैं, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू मतलब ग्लास से किसमें गई, यहाँ पर ये ग्लास है और ये क्या है डायमंड है, ये मीडियम वन कहलाए टू कहलाए, यदि इससे लाइट इससे किससे गई, किस में गई, वन से टू में गई, तो हम ये कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन। यदि यहां से इसमें जा रही है तो नॉर्मल सी बात है ये आपका टूवर्स टू नॉर्मल होगी, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू वन। और इसे लिखते कैसे हैं हम, यदि हमने इसको ऐसे करके लिखा तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। ये ध्यान रखिएगा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये ध्यान रखिएगा इस बात को क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी मैं कराऊंगी भी आपको, ध्यान रखिए इस बात को। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ओके तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब इसको हम कैसे अपोजिट है वो भी हम देख सकते हैं। देखिए जब हमने लिखा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन, ओके तो यहां पर ऊपर क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट किस में आएगी, मीडियम वन में आएगी, मीडियम वन में ऊपर आएगी और यहाँ पर टू में। यदि हम करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू टू का निकालना है, किसकी रेस्पेक्ट में, वन की रेस्पेक्ट में, वन की रेस्पेक्ट में निकालना है तो ऊपर आएगी ये, ऊपर आएगी स्पीड ऑफ लाइट किसकी, मीडियम वन की, यहाँ टू की आएगी। ध्यान रखिएगा मैं बार बार इस बात को सब कह रही हूं, मैं
इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सपोज यहां पर लिखा है, इसकी जगह लिखा होता कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, इसे हम रीड करेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू। तो ऊपर क्या आ जाएगी, किसका निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वन का निकालना है, तो वो आ जाएगा नीचे, ऊपर आएगा टू। तो देखिए दूसरे के अपोजिट है नहीं, तो इस चीज को ध्यान रखिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन यहां पर आया, यानी टू का निकालना है, जिसका निकालना है वो नीचे। यहां किसका निकालना है, वन का, किसकी रेस्पेक्ट में, टू के में, तो वो नीचे। ये ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रही हूं, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, ये अपोजिट हो गए। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिए, क्योंकि अभी मैं आपका स्नेल्स लॉ वगैरह बताऊंगी और ये आप ये बताऊंगी, लॉ और रिफ्रैक्शन बताऊंगी, ये सब चीजें बार बार वहां पर पॉइंट्स आएंगे। फिर अब इसके बाद आता है, द स्पीड ऑफ ऑल कलर्स ऑफ लाइट इज सेम इन एयर। वैक्यूम और एयर में तो सेम होती है, सारे कलर्स की सेम होती है, बट इन एनी ऑफ द ट्रांसपेरेंट मिरर, इसमें आप ज्यादा देखेंगे प्रिज्म का आपके उसमें हैगा भी, सेकंड वाले में है, या आप सपोज स्केल लीजिए और स्केल को ट्यूबलाइट के सामने, उसको ट्यूबलाइट को इसके स्केल से देखिए, तो यहां पर देखिए कई सारे कलर्स निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको कॉर्नर पर। वैसे भी कई बार देखते होंगे, कुछ हम ऐसे किसी चीज से एंगल लेते हो, कई से कलर दिखाई पड़ते हैं। प्रिज्म में तो होता है कि लाइट आती है और यहाँ से क्या होते हैं, कई सारे इसमें से कलर्स निकल जाते हैं, वो अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, वो मैं आगे बताऊंगी, मैं इसी पर सब रिलेटेड चीजें होंगी। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्पीड ऑफ ऑल कलर्स, ये लर्न करने वाला पॉइंट है, जब वो पॉइंट है तब उसको डिटेल में बताऊंगी मैं। ये मैंने हल्का सा इसलिए बता दिया, आपको पता होना चाहिए चीजों का, क्योंकि इसमें कुछ समझाने के लिए, समझाने का बाद में बताऊंगी कि प्रिज्म में इसीलिए कलर्स हो जाते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, एयर और वैक्यूम में तो सेम होती है, बट दूसरा कोई और ट्रांसफर मीडियम होता है तो उसमें क्या होती है, डिफरेंट होती है, हर कलर की डिफरेंट है। और आपको पता है कलर्स कौन से करते हैं, विब्योर, ये आप लोग लगातार करते आ रहे हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। और जो रेड लाइट है ट्रेवल फास्टर देन द वॉयलेट। रेड क्या है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है और इसकी स्पीड सबसे कम है। आप ऑटोमेटिकली कंपैरिजन कर सकते हैं अभी कि यहाँ पर ग्रीन की कम हुई रेड के कंपैरिजन में, ग्रीन और ब्लू में ग्रीन की ग्रेटर हुई, ब्लू की कम हुई। तो रेड लाइट ट्रेवल फास्टर देन वॉयलेट लाइट, तो इसकी रेड लाइट की क्या होती है, स्पीड सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद है स्पीड चेंज फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू क्यों होती है। अब देखिए, एक तो स्पीड ऑफ लाइट के कारण चेंज हुआ, अब स्पीड क्यों चेंज होती है, इस पॉइंट को भी समझ लीजिए कि ये स्पीड जो है क्यों चेंज हुई, वाई चेंज क्यों चेंज हुई, क्योंकि हर एक कलर की क्या होती है, वेवलेंथ अलग होती है। वेवलेंथ क्या होती है, ये अलग अलग होती है, कोई ऐसे ट्रेवल करेगा, कोई ऐसे ट्रेवल करेगा। ये जब ये अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट बताऊंगी तब आपको इस चीज को और अच्छे से समझाऊंगी मैं, फिलहाल अभी समझ लीजिए कि वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण, वेवलेंथ हर एक की अलग अलग होने के कारण ही ये स्पीड ऑफ लाइट कम ज्यादा होती है। हर एक कलर की वेवलेंथ क्या होती है, वो अलग अलग होती है, कोई ऐसे करके, तो इसी के कारण क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। स्पीड चेंज फ्रॉम मीडियम वन टू टू ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ, इसको हम लैम्डा कहते हैं, इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाती है वेवलेंथ। ओके, इसका डिटेल में डिस्पर्जन ऑफ लाइट के टाइम में इसको डिटेल में बताऊंगी। पॉइंट्स देखिए, मैं हर एक पॉइंट्स ले लेती हूँ क्योंकि एमसीक्यूज आए या कुछ भी शॉर्ट टाइम आपको भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोशिश मेरी रहती है मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर लूँ। फिर उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अब इन सब से क्या रिजल्ट निकाला कि जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है किस किस पर डिपेंड करा। देखिए, एक तो किस पर डिपेंड करा कि जो मटेरियल ऑफ मीडियम, किस पर डिपेंड करा, मटेरियल ऑफ मीडियम, पहला पॉइंट हुआ, एक तो मटेरियल ऑफ मीडियम कि उस मीडियम का कैसा मटेरियल है, वो ग्लास का है, एयर का है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा भाई। यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा भाई
भाई एयर से ग्लास में जा रही है या फिर एयर से डायमंड में जा रही है, किस में जा रही है? तो मटेरियल ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्लियर? और दूसरा किस पे डिपेंड करता है? ये डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। अब देखिए ग्लास में और डायमंड में ही हम देखेंगे तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? डायमंड की ज्यादा डेंसिटी है। तो स्पीड ऑफ लाइट किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, इसकी कम है? ओके, तो इसके अकॉर्डिंग तो किस पर डिपेंड करा? तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करा? डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड करा। थर्ड क्या होता है इसमें? नेचर ऑफ मीडियम जिसमें वो रखे हैं, किस मीडियम में रखे हैं, इन विच इट प्लेस्ड, किस मीडियम में, किस जगह पर, नेचर ऑफ मीडियम इन विच इट प्लेस, किस कैसे मीडियम में रखे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे ग्लास स्लैब किस में रखा? एयर में रखा है। अब ग्लास स्लैब को यदि हम वाटर में रख देंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, ये वाली बात है। और थर्ड होता है कलर, कि कौन सा कलर है, कलर पे डिपेंड करेगा। और वेवलेंथ, कलर बोल दीजिए या फिर क्या बात कह सकते हैं, वेवलेंथ को, चलिए यहाँ लेमडा लिख देती हूँ, ये लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, कि हमने कौन सी लाइट उस पर मीडियम पर पड़ी, कौन सा कलर आया, रेड आया, ब्लू आया, उस समय कौन सा कलर आया, या आपकी ये वेवलेंथ ऑफ लाइट, कौन सी वेवलेंथ की हमने लाइट यूज करी या फिर कौन से कलर की हमने लाइट यूज करी, इस पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। ये पॉइंट्स फिर दोबारा बोल देती हूँ। पहला पॉइंट है मटेरियल ऑफ मीडियम, यहाँ पे नेचर लिख देती हूँ मैं, कि नेचर कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द मीडियम। सेकंड है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। थर्ड इज नेचर ऑफ मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। उसके बाद फिर आता है यहां पर ये कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, कौन सी हमने उसकी वेवलेंथ की और उसको हमने यूज करी है। आई थिंक आपको क्लियर चीजें हो गई होंगी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, समझ में आ गया होगा क्या है। अब मैं आपको अगले उसमें एक तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताऊंगी और उसके बाद में फिर मैं बताऊंगी ये जो ग्लास स्लैब है उसके थ्रू कैसे होता है, उसमें आपका लेटरल डिस्पर्जन वगैरह आएगा, ये मैं पॉइंट्स आपको मैं अगले वाले लेक्चर में बताऊंगी। क्लियर?